हे गाइस, आप लोग कैसे हो? टेक सेवन यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, तो ये सेल के दौरान जो है देखेंगे माइक्रोमैक्स का इन नोट वन जो है आपको 9500 रुपया में देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग अभी तक मुझको फोन देखने को लगा इस प्राइस सेगमेंट वाइज देखा जाए तो। ऑलरेडी माइक्रोमैक्स मेरा फेवरेट ब्रांड हो चुका है एंड ये फोन का प्राइस देखकर तो मेरा मन काफी खुश है। एंड अगर आप देखेंगे इसके साथ अगर बैंक ऑफर को ऐड करेंगे तो ये प्रॉबेबली 8700 रुपया का आसपास प्राइस में मिल जाएगा, मतलब बहुत ही चीप रेट में ये फोन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्यों ना हम लोग Infinix का अभी लॉन्च हुआ Infinix का Hot 11 एंड Hot 11s के साथ कंपेयर करके आपको दिखाएं किस तरह से Micromax In Note 1 हम लोगों को कम प्राइस के अंदर ज्यादा अच्छा वैल्यू दे रहा है। Hot 11 से तो बेटर तो है, इवन Hot 11s जो 11000 में लॉन्च हुआ ये फोन से भी बेटर है अगर आप 9500 रुपए इससे भी नीचे का प्राइस वाइज देखेंगे Micromax In Note 1 को। तो ये कंपैरिजन वीडियो तब तक के लिए लागू होता है, मतलब तब तक के लिए जस्टिफाई या रिलेवेंट रहेगा जब तक Micromax In Note 1 का प्राइस आप बोल सकते 9500 रुपया या 10000 रुपया का आसपास रहेगा विदाउट कोई बैंक ऑफर। तो चलिए देख लेते कंप्लीट कंपैरिजन, क्यों आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 लेना चाहिए ये बिग बिलियन डे सेल में ये आपको जानने को मिल जाएगा। देखिए डिजाइन बिल्ड क्वालिटी पर्सनल प्रेफरेंस के अंदर आता है, तीनों ही प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है एंड तीनों का डिजाइन मुझको अच्छा लगा, बट स्पेशली माइक्रोमैक्स का जो कैमरा बम का डिजाइन है एंड काफी मिनिमल लुक जो है यह मुझको ज्यादा अट्रैक्ट किया। फिंगरप्रिंट तीनों का ही पीछे आपको देखने को मिलेगा, हालांकि Infinix का एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू माइक्रोमैक्स। इसको छोड़कर अगर फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे तीनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, तीनों में डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड आप सेम टाइम यूज कर पाएंगे, तीनों फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। बट Infinix का फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा जो चीज आपको माइक्रोमैक्स का फोन में देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि जिस टाइम लॉन्च हुआ था उतना पॉपुलर भी नहीं था डुअल स्टीरियो स्पीकर इस बजट के अंदर। हालांकि माइक्रोमैक्स का फोन में जो मोस्ट इंटरेस्टिंगली देखने को मिल रहा है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, आजकल तो 20000 रुपया का फोन में भी देखने को नहीं मिल रहा है एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक होने पर कॉलिंग की टाइम जो नॉइस रिडक्शन काम करते हैं ना वो काफी अच्छा काम करते हैं, तो ये एक काफी एडवांटेज माइक्रोमैक्स के पास जाएगा। दोस्तों दोनों फोन का अगर आप रैम एंड इंटरनल स्टोरेज, मतलब तीनों फोन का रैम एंड इंटरनल स्टोरेज देखेंगे, तीनों फोन में जो आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, स्टोरेज जो है तीनों में eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा, किसी तरह UFS स्टोरेज आपको तीनों फोन में ही देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन है प्रोसेसर जो हम लोग फ्यूचर में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इतना दूर आएगी आप लोग, मतलब आशा कर रहे हो वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है इसलिए देख रहे हैं, बट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगने पर हेल्पफुल होने पर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर के रेशियो जो है 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन इसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा, हम लोगों को भी जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिए, वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट कीजिए एंड इसके साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो उतना ही ज्यादा व्यू गेन करने में हेल्प होगा। दोस्तों तीनों फोन का डिस्प्ले देखेंगे, तीनों मोस्ट इंटरेस्टिंगली फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग लगा था Infinix का Hot 11 का डिस्प्ले जो 9000 रुपया का फोन वाइज फुल HD डिस्प्ले कमाल का था, हालांकि आज के दिन में Micromax In Note 1 जो 9500 रुपया में मिल रहा है। तो तीनों फोन ही फुल HD डिस्प्ले है, हालांकि आपको Hot 11 में जो डिस्प्ले यूज किया गया ये जो है आपको एक डियोड्रम नॉच की साथ आपको देखने को मिलेगा, सेम टाइम जो बाकी दो डिस्प्ले देखने को मिलेगा ये पंचोल डिस्प्ले, मतलब Micromax In Note 1 में भी पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड आपको Infinix Hot 11s में भी पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट आपको Infinix का Hot 11s में 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है एंड 11000 रुपया वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छा डील आपके लिए हो सकता है। फुल HD डिस्प्ले पंचोल एंड इसके साथ 90Hz रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है, बाकी दो फोन 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीनों फोन का कैमरा सेगमेंट में, तो कैमरा सेगमेंट में मुझको जो लगता है Micromax थोड़ा एडवांटेज लेता है, क्यों? सबसे पहले Infinix Hot 11 को देखिए, ये फोन में प्राइमरी कैमरा 13 MP है एपर्चर f/1.8 की साथ एंड ओवरऑल डे लाइट में अच्छा पिक्चर आपको क्लिक होते देखने को मिलेगा, लो लाइट में उतना कुछ खास इंप्रेसिव आपको शॉट आपको क्लिक होते देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी लो लाइट के लिए डेडिकेटेड नाइट मोड आपको ये कैमरा के अंदर देखने को मिलेगा, HDR बोलिए या ब्यूटिफिकेशन बोलिए ये सब कुछ देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 8 MP का सेल्फी शूटर ये फोन में देखने को मिलेगा एपर्चर f/2.0 के साथ, इधर भी आपको ओवरऑल ठीक ठाक पिक्चर आते देखने को मिलेगा, बाकी दो मेगापिक्सल का AI सेंसर देखने को मिलेगा Hot 11 के अंदर जो उतना काम का नहीं आपको भी पता है। सेम टाइम जो Infinix का Hot 11 है इधर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है
अपाचर एक 1.6 की साथ आ रहा है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज लगा इस बजट में अपाचर एक 1.6 होना। एंड इसके साथ इधर जो पिक्सल साइज है 50 मेगापिक्सल सेंसर का, ये 0.64 माइक्रोन का है, जो पिक्सल मिनिम में 1.28 माइक्रोन में काम करते देखने को मिलेगा। ये सैमसंग का JN1 सेंसर है। एंड इधर जो है आपको सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर इधर भी देखने को मिलेगा। तीसरा जो है AI सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो ये कैमरा भी ओवरऑल डे लाइट में अच्छा काम करते देखने को मिलेगा एंड काफी अच्छा पिक्चर भी आ जाएगा। HDR मोड बोलिए, AI मोड बोलिए, AI ब्यूटिफिकेशन मोड बोलिए, पोर्ट्रेट मोड बोलिए, लो लाइट के लिए डेडिकेटेड लो लाइट मोड बोलिए, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है ये कैमरा में। हालांकि दोस्तों इन्फिनिक्स का हॉट 11S 11,000 रुपया का फोन है, तो ऑब्वियसली इस बजट का फोन वाइज एक अल्ट्रावाइड लेंस होना चाहिए था कैमरा में। एंड इसका साथ जो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल होता तो और भी अच्छा हो सकता था। बट सेम टाइम माइक्रोमैक्स इनोट 1 को देखेंगे, इधर क्वाड कैमरा पीछे देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा सैमसंग का 48 मेगापिक्सल सेंसर, सैमसंग का GM2 सेंसर देखने को मिलेगा। अपर्चर 1.8 के साथ पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन का, जो पिक्सल बिटवीन में 1.6 माइक्रोन में काम करते देखने को मिलेगा। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर तो है, एंड इसके साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल होता तो और भी अच्छा होता, 5 मेगापिक्सल दिया गया, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत तो काम में ले पाएंगे। एंड 2 मेगापिक्सल का एक आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिल जाएगा ये फोन में। तो ये फोन का कैमरा क्यों इन्फिनिक्स हॉट 11S से बेटर है, इसको रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। क्यों ये JN1 सेंसर जो आपको इन्फिनिक्स का हॉट 11S में देखने को मिला, ये वीकर देन नॉर्मल 48 मेगापिक्सल सेंसर, हम लोग बात किया वो देख लीजिए तो और भी अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह से पिक्सल साइज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो वीडियो देखिएगा ठीक है। तो इमेज क्वालिटी वाइज देखेंगे तीनों फोन का कैमरा डे लाइट में तो अच्छा हो जाएगा, बट लो लाइट में एडवांटेज देखेंगे माइक्रोमैक्स की पास ही जाते देखने को मिलेगा, क्योंकि पिक्सल साइज जो ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा आपको माइक्रोमैक्स की पास। इसके साथ अगर वीडियो रिकॉर्ड देखेंगे तीनों फोन में आपको 180p एट 30fps वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। 4K वीडियो रिकॉर्ड तीनों में ही नहीं है, बट इन्फिनिक्स का ये दो फोन में जो आपको 2K वीडियो रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगा। स्लो मोशन एंड टाइम स्लैप दोनों वीडियो रिकॉर्ड ही आपको तीनों फोन में देखने को मिलेगा। 720p के पास स्लो मोशन स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। EIS जो है जितना मुझको पता है माइक्रोमैक्स का फोन में ही देखने को मिल रहा है, बाकी दो फोन में अभी तक मुझको देखने को नहीं मिला जितना मैं रिसर्च किया इससे पता चल रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज वीडियो रिकॉर्ड के मामले में माइक्रोमैक्स के पास देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर में देखेंगे तो MediaTek Helio G70 देखने को मिल जाएगा आपको इन्फिनिक्स का हॉट 11 के अंदर। G70 जो है आप मोर ऑर लेस 180-90,000 के आसपास एंटिटी की बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस सेगमेंट में अच्छा है, इस बजट वाइज देखा जाए तो गेमिंग तो आप कर पाएंगे, ओवरऑल अच्छा ही हो जाएगा। बट जो प्रोसेसर है G70 इसके साथ प्रोबेबली ये इन्फिनिक्स का हॉट 11 ही पहला फोन जिधर फुल HD डिस्प्ले दिया गया, तो कितना अच्छा ऑप्टिमाइज है ये भी एक देखने वाला चीज है। बट सेम टाइम अगर आप बाकी दो फोन को देखेंगे तो इन्फिनिक्स का हॉट 11S में आपको MediaTek Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। सेम टाइम जो है माइक्रोमैक्स इनोट 1 में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो G85 एंड G88 सेम प्रोसेसर है, CPU GPU जो मेन सेक्शन होता है एक प्रोसेसर का, ये दो सेगमेंट में दोनों एक है। तो इसको रिगार्डिंग भी हम लोग डिटेल वीडियो बना दिया है, वो देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो दोनों से ही आपको बेंचमार्किंग की बात करेंगे एंटिटी की, पर 220-230 के बीच में आपको जनरली दोनों से ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों से आप गेमिंग बोलिए, नॉर्मल डेली लाइफ टास्क बोलिए, काफी अच्छे से हो पाएंगे। स्पेसिफिकली गेमिंग की बात करेंगे तो पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम जो है इस बजट का फोन वाइज आपको ओवरऑल अच्छा ही खेलते देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में देखिएगा माइक्रोमैक्स थोड़ा एडवांटेज लेता है। क्यों? तीनों फोन में आपको नॉर्मली 4G वोल्टी, ड्यूल 4G वोल्टी, वीओ वाईफाई कॉलिंग, ये सब हर एक फीचर देखने को मिलेगा। बट माइक्रोमैक्स का फोन में जो आपको ड्यूल बैंड 5GHz जो वाईफाई का सपोर्ट है ये भी देखने को मिल रहा है। बट इन्फिनिक्स का फोन में जितना मुझको अभी तक जानने को मिला ये सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसका साथ 4G कैरियर एग्रीगेशन जो नॉर्मली इस बजट का फोन क्या 12,000-13,000 रुपया छोड़कर अगर 15,000 रुपया का फोन देख लीजिए बहुत कम फोन में देखने को मिल रहा है, ये फीचर भी माइक्रोमैक्स का फोन में देखने को मिल रहा है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का क्या फायदा है इसको रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो बना दिया, प्लीज एक बार देख लीजिए तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा ये इंटरनेट यूजर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है परफॉर्मेंस के मामले में। तो दोस्तों कनेक्टिविटी में मुझको जो लगता है माइक्रोमैक्स एक थोड़ा सा एडवांटेज ये सब चीज ले लेता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर तीनों फोन का बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात किया जाए तो इन्फिनिक्स का हॉट 11 में आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा विथ 10 वाट का चार्जर अडाप्टर। तो चार्जर अडाप्टर 10 वाट होने पर चार्जिंग होने में आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास तो टाइम ले लेगा, ये कन्फर्म हो लीजिए, बट बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलने वाला है। सेम टाइम इन्फिनिक्स का हॉट 11 में जो है इधर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी।
इधर 18 वाट का चार्जर एडाप्टर दिया गया। तो ये फोन चार्ज होने में थोड़ा तो बहुत फास्ट देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 11, बट इन्फिनिक्स हॉट 11 एस भी 3 घंटे के आसपास टाइम ले लेगा। सेम टाइम जो है अगर आप माइक्रोमैक्स को देखेंगे, इधर भी 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट का चार्जर एडाप्टर इधर भी है, इधर भी चार्जिंग की टाइम जो है आपको इन्फिनिक्स हॉट 11 एस की तरह ही देखने को मिलेगा। तो सब कुछ लेकर देख सकते हैं बैटरी के मामले में तीनों फोन ही अच्छा है, पर चार्जिंग जो कैपेबिलिटी है इसमें देख सकते हैं 18 वाट का चार्जर एडाप्टर होने पर जो इन्फिनिक्स का हॉट 11 एस एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एडवांटेज लेता है। दोस्तों नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एंड यूआई के ऊपर गौर किया जाए तो इन्फिनिक्स का फोन में XOS देखने को मिलेगा बेस ऑन एंड्रॉइड 11 रन करते देखने को मिलेगा। सेम टाइम माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 में जो है आपको एक नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह यूआई देखने को मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स का ये ओएस जो है मुझको उतना पसंद नहीं है क्योंकि ये पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है, बट आज के दिन में भी जो है ऐसा कुछ फीचर देखने को आपको मिलेगा जो आपको यूजफुल नहीं है फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा ये यूआई के अंदर। इसके साथ काफी हैवी है यूआई एंड इसके साथ काफी इंप्रूवमेंट का आज के दिन में भी स्कोप है, काफी एड आप देखने को मिलता है। ओवरऑल जो है उतना मुझको पसंद नहीं आता ये यूआई, बट सेम टाइम जब माइक्रोमैक्स का यूआई को देखेंगे ये नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह यूआई आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आपको ब्रोडवेयर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एड देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एकदम ही पॉलिश्ड एक लाइट यूआई देखने को मिलेगा एंड यही है सबसे बड़ा खासियत ये यूआई के अंदर। प्लस जो है कुछ कस्टमाइजेशन का फीचर एडिशनली माइक्रोमैक्स ऐड किया ये यूआई के अंदर जो भी एक काफी अच्छा यूजफुल बना देता है यूआई को। तो ये फोन एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, अभी अभी एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी मिल गया। तो ओवरऑल में आपको अगर एक नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉइड नहीं तो क्लीन एक यूआई पसंद है तो आपको माइक्रोमैक्स का यूआई ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप ये कंपैरिजन से एक चीज नोटिस कीजिए, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो है इन्फिनिक्स हॉट 11 एस से हर एक सेगमेंट में ज्यादा बेटर है सिवाय डिस्प्ले को छोड़कर। डिस्प्ले में थोड़ा सा एडवांटेज इन्फिनिक्स की पर जाता है, बट फिर भी 1000 रुपया का प्राइस गैप वाइज देखा जाए तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एक काफी ज्यादा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं 9500 रुपया वाइज। सेम टाइम अगर इन्फिनिक्स हॉट 11 के साथ कंपेयर करेंगे तो हर एक सेगमेंट में जो है ज्यादा बेटर है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड इसलिए जो है मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको लेना है इस बजट में फोन तो सबसे पहले एक बार माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को कंसीडर कीजिए। बाकी तो आपके ऊपर, अगर आपको इन्फिनिक्स का फोन अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, इन्फिनिक्स का फोन भी काफी अच्छा है। तो ये है कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो जरूर फिल कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन है जाइए कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलता रहेगा, हम लोगों को वीडियो चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।